हेलो गाइस, तो आज से वीडियो हम ट्वीट करते हैं, यानी कि यूट्यूब को छोड़ने वाले हैं। और क्यों? क्योंकि मैं चला दिहाड़ी पे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी मुझे तारीफ किया। वाह मोदी जी वाह। और दिहाड़ी पे जाने के बाद कैसा फील आया, कैसा नहीं आया, वो मैं आप लोगों को बताने वाला। तो दरअसल बात ये है कि हम बहुत ही ज्यादा खत्म हो चुके थे, अंदर से एकदम खत्म हो चुके। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, ठीक ना? क्यों? क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा ऐसा कांड हो रहा है यार। मेरे YouTube पे कुछ नहीं हो रहा है और ना ही मैं कुछ कर पा रहा हूँ। फिलहाल मैं YouTube कब से कर रहा हूँ ये मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। ये YouTube मैं कर रहा हूँ 2 साल हो गया है, तीसरा साल मेरा चल रहा है और अभी तक मेरा कुछ से कुछ नहीं हुआ है। इसका रीजन क्या है वो मुझे खुद पता नहीं है। मुझे एक तरह के लगता है कि मैं कुछ गड़बड़ी तो कर रहा हूँ, इसका रीजन यही हो सकता है। फिलहाल मैं आप लोगों को वो चीज दिखाने वाला हूँ जो मैं अपने लाइफ का पहला एक्सपीरियंस, मतलब मैं दिहाड़ी पे बहुत ही बार जा चुका हूँ, लेकिन मैं इस बार पहली बार गया था 200 फीट ऊपर गया था। ऊपर से काम करने का नजारा और मंजर, दिल का मंजर, दिल का धड़कन क्या ही खतरनाक लेवल का था। वो चीज मैं आप लोगों के साथ एक्सपेंड करने वाला हूँ, तो चलिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरअसल बात ये है कि हम जब जा रहे थे तो जाते वक्त मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया था और मैं आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ से दिखा रहा हूँ। और ये चीज है यार, 200 फीट ऊपर से काम कर रहा हूँ, ये आप लोग समझ सकते हैं। 200 फीट ऊपर से काम करने का जो नजारा और जो दिल का धड़कन था, खतरनाक लेवल का था। माशाल्लाह, काम करने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मतलब क्या अच्छा लगेगा, थोड़ा खराब लग रहा है। तो ये जो सीन देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे थे, वो चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ऊपर का जो सीट देख रहे हैं, सीट बोले तो ये चदरा सब, तो बस ये सीट को हम लोग लगा रहे थे, ठीक ना, उसको ऊपर में ढक रहे थे, इसीलिए हम गए थे और इस पे हम फर्स्ट बार गए थे। तो बात ये है कि अपने लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था। और भाई साहब, वहां से हमको नीचे भेजा गया, बोला कि जा वहां से पानी लेकर आओ, मतलब नल से। तो 200 फीट नीचे आए, नीचे से फिर पानी लेकर गए और उसके साथ क्या क्या हुआ खुद देखिए, इतना ही खतरनाक। और नीचे जब आ रहे थे, नीचे आते वक्त हमको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इतना सारा मशीन था यार। मशीन को देखने के बाद ऐसा लग रहा था, वो मूवी वाला शूटिंग होता है ना, जैसे कि आग लग जाता है तो फट जाता है, ये होता है वो होता है, खतरनाक लेवल का लग रहा था। बस यही चीज मैं अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पा रहा था कि करो तो करो क्या। और अभी हम सीट को ऊपर उठा रहे थे, कहाँ से उठा रहे थे पता है, वो नीचे जो दिख रहा है वो नीचे से हम डायरेक्टली ऊपर उठा रहे थे, वो रस्सी से। किस तरह से उठा रहा था इसका वीडियो मैं रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो रिकॉर्ड मेरा गलती से वो डिलीट हो चुका है और उसका मैं आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूँ। बहुत ही तकलीफ से कर रहे थे वो चीज, मैं आप लोग मेरे पापा को दिखाए थे, तो मेरे पापा के रिएक्शन किस तरह से पता, अरे बाप इतना खतरनाक, इतना ऊपर उठा रहा था और गधे की तरह इस तरह से घुमा घुमा के उठा रहे थे यार, खतरनाक लेवल का था। करने में जो फील आ रहा था ना यार, खतरनाक लेवल का था। बस मैं आप लोगों से इतना कहता हूँ, थोड़ा सा इतना पढ़ाई करो कि कुछ भी नॉलेज होना चाहिए। और वो नॉलेज किस टाइप का होना चाहिए पता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में। मुझे तो उतना नॉलेज है नहीं, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग अगर देख रहे हो तो थोड़ा सा भी नॉलेज रखो, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रखो, इतना रखो कि थोड़ा सा आप लोगों को काम दे। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और यहाँ से नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या क्या हुआ थोड़ा सा देख लीजिए। कसम से बाहर निकल के इतना सुकून लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बाहर आ गए, डर लग रहा था अंदर में, बहुत ज्यादा डर लग रहा था। फिलहाल देख सकते हैं नजारा ही कुछ शानदार नजारा। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।